अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान अली टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी अदाकार और फिल्म सुपरस्टार हुमायूं सईद के बारे में 10 हकायक बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हुमायूं सईद पाकिस्तान के खूबसूरत और निहायत हैंडसम अदाकार करार दिए जाते हैं। नाज़रीन, वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के नामवर अदाकार हुमायूं सईद को कौन नहीं जानता। हुमायूं सईद 27 जुलाई 1971 को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा हुए। नाज़रीन, जबकि इस वक्त उनकी उम्र लगभग 48 साल है। हुमायूं सईद की वालिदा का नाम मोहम्मद सईद और जबकि वालिदा का नाम ज़किया राना सईद है, जबकि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, जबकि नाज़रीन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फैक्ट नंबर 2, नाज़रीन, हुमायूं सईद दिलकश खूबसूरत और हसीन चेहरे वाले अदाकार हैं और जो ज़्यादातर हीरो के रोल अदा करते हैं, जबकि शोबिज इंडस्ट्री में आने से कबल ही इनकी शादी समीना सईद से हो गई थी। नाज़रीन, हुमायूं सईद की कोई औलाद नहीं है, जबकि इसके बारे में हुमायूं सईद कहते हैं कि बेशक ये अल्लाह की देन है और वो सबके बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, हुमायूं सईद का मजहब इस्लाम है और जनवरी 2020 में ये अपनी बीवी के साथ उमरा भी अदा कर चुके हैं। अगर बात करें हुमायूं सईद की एजुकेशन की तो उन्होंने कॉमर्स में बैचलर्स किया है और एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, और अब चलते हैं हुमायूं सईद की करियर की तरफ। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत और दिलकश नौजवान अदाकार का पहला टीवी सीरियल करोड़ों का आदमी, जो कि 1995 में टेलीकास्ट हुआ था। इसके अलावा हुमायूं सईद की पहली फिल्म जिसका नाम इंतहा था। इसके अलावा हुमायूं सईद पाकिस्तानी ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जबकि इनके मशहूर ड्रामों में से दिल लगी बिन रोए मेरे पास तुम हो ज़्यादा मशहूर है। फैक्ट नंबर 5, नाज़रीन, हुमायूं सईद के 5 भाई हैं जबकि उनकी कोई बहन नहीं। हुमायूं सईद अपनी फैमिली के साथ कराची में रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर बात करें हुमायूं सईद की कुछ ख़ास हॉबीज़ के बारे में तो नाज़रीन, हुमायूं सईद को कोई महंगी डिश उनकी फेवरेट नहीं, बल्कि उनकी फेवरेट डिश कड़ी पकौड़ा है और इस पाकिस्तानी डिश को वो नहायत शौक से खाते हैं। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन, अक्सर व बेशतर आपने हुमायूं सईद को स्याह यानी काले रंग के लिबास में देखा होगा, इससे जाहिर होता है कि उनका फेवरेट कलर ब्लैक है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, हुमायूं सईद को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। नाज़रीन, अगर बात करें इनकी गाड़ी के बारे में तो इनके पास ODA3 कैब्रियोलेट जिसकी कीमत लगभग 55 लाख है। फैक्ट नंबर 9, नाज़रीन, हुमायूं सईद का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है जहां वो ड्रामे और कमर्शियल एड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। नाज़रीन, हुमायूं सईद ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स और ARY फिल्म अवार्ड्स में भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जबकि इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में उनकी बेशुमार फैन फॉलोइंग है और उनका शुमार पाकिस्तान के महंगे तरीन एक्टर्स में होता है। फैक्ट नंबर 10, नाज़रीन, दीगर अदाकाराओं की तरह इन पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो खूबसूरत और हैंडसम नज़र आने के लिए सर्जरीज वगैरह का सहारा लेते हैं, जबकि हुमायूं सईद ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है। नाज़रीन, बाकी अदाकाराओं की तरह इनके बारे में भी इधर उधर से बातें और सरगोशियां चलती रहती हैं कि इनके काफ़ी अफेयर्स चलते हैं। बहरहाल, क्या सच और क्या झूठ ये तो खुदा ही जानता है। और आखिर में बात करते हैं हुमायूं सईद की पर एपिसोड सैलरी के बारे में, तो आप जानकर हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, हुमायूं सईद की पर एपिसोड की सैलरी 2.5 या 3 लाख रुपए है। नाज़रीन, मेरे पास तुम हो ड्रामा शायद ही किसी पाकिस्तानी ने ना देखा हो। पाकिस्तानी अदाकार आयशा खान के साथ होने वाले ड्रामे की वजह से भी हुमायूं सईद की शोहरत में 4 चांद लगा दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।